मैं सुलक्षणा पाटिल, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ, चलिए देखते हैं आज की खबर। हुसैन रिजवी ने कांग्रेस का दामन छोड़ AIIM में सदस्यता ली। कौशाम्बी में मजनपुर स्थित तमन्ना गेस्ट हाउस में AIIM के प्रदेश सचिव व पूर्वांचल प्रभारी इसरार अहमद का स्वागत किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष परवेज महमूद ने किए व कार्यक्रम का आयोजन सरदार हुसैन रिजवी ने किया है। जिले के तमाम पदाधिकारियों सहित सदस्यों को सम्मानित किया गया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रह रहे जिला महासचिव सरदार हुसैन रिजवी ने कांग्रेस का दामन छोड़ AIIM पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिला अध्यक्ष परवेज महमूद की मौजूदगी में प्रदेश सचिव इसरार अहमद ने सदस्यता दिलाई। सरदार हुसैन रिजवी ने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व कांग्रेसी विचारधारा से भटक रही है व कांग्रेस में कुछ RSS माइंड के लोग का प्रवेश होना मुझे नागवारा गुजारा है, इसलिए हमने आज कांग्रेस का दामन छोड़ AIIM की सदस्यता ली है। कौशाम्बी से अब्दुल कादिर की न्यूज रिपोर्ट। AIIM को ज्वाइन करना है, क्या अनुभव रहा कांग्रेस में और इसमें आने का क्या उद्देश्य? मैंने कांग्रेस की 20 या 22 साल मैंने सेवा की है। कांग्रेस से लेकर मेनवाड़ी तक मैं पदों पर रहा हूँ। मैंने कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस मुख्य विचारधारा से हटती जा रही है। इस समय कांग्रेस के जो प्रदेश नेतृत्व है वो RSS विचारधारा से जुड़ा हुआ है और लगातार जो वाकई कांग्रेसी हैं, जो कर्मठ और ईमानदार कांग्रेसी थे, उनको किनारे किया जा रहा है। और हमारा विरोध इस बात को लेकर के था कि कांग्रेस कार्यकर्ता मेहनत करता है, 5 साल टिकट लेकर कोई और आ जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगातार अनादर किया जा रहा है, उनकी अनदेखी की जा रही है। और उसके अलावा मैंने ये देखा कि MIA में एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान की फजाओं में छाई जा रही है, और वो वक्त आने वाला है जब हिंदुस्तान में MIA में आने वाला समय MIA का है। और बहुत जल्द वो दिन आने वाला है कि हिंदुस्तान में दो ही पार्टियों के बीच मुकाबला होगा, एक भारतीय जनता पार्टी, एक MIA। इन्हीं दोनों जगह मुकाबला होने वाला है। क्या उम्मीद है उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर MIA? उत्तर प्रदेश में हम लोग जो अपने टारगेट हम लोगों ने बना रखा है कि इस बार कम से कम 25% सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उसमें मांगे चलिए हम लोग 90% सीट जीत करके हम लोग लाएंगे। सत्ता हमारे साथ। मेरा नाम सरदार हुसैन रिजवी, पूर्व जिला महासचिव कांग्रेस कौशाम्बी। आज मंजनपुर में क्या आयोजन किया जा रहा है पार्टी कार्यालय की तरफ से? आज मंजनपुर में कांग्रेस के जिला महासचिव और सरदार हुसैन साहब जो कि कांग्रेस के जिला महासचिव थे, आज उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता की। इसके लिए आज उनके वेलकम में हम लोग यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। सरदार साथ में आपने सदा मौजूद हैं और हम इनका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में स्वागत है, इस्तकबाल करते हैं। कहते हैं कि जहाँ जहाँ MIA जाती है वहाँ वहाँ भाजपा का जो सिक्का है वो कायम हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव लड़ रही है। जब कोई नया प्लेयर कहीं आएगा तो किसी न किसी का नुकसान होगा, किसी न किसी का फायदा होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी को किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, उसके हिसाब से हम अपनी पार्टी मजबूत करना चाहते हैं और अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं। और हम सिलेक्टेड सीटों पर लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम 150 सीटों लड़ रहे हैं। अभी तेलंगाना में चुनाव हुआ जहाँ पे 150 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी जिसकी उनको 2 सीटें मिली, हमने सिर्फ 51 सीटों पर चुनाव लड़ा जिसमें हमको 44 सीटें जीत किया है। तो हम सिलेक्टेड सीटों पर जहाँ पे हमारी पार्टी काम कर रही है, जहाँ पे हमारी टीम है, जहाँ पे हम चुनाव जीतने की स्थिति में है वहाँ लड़ते हैं और चुनाव जीतने के लड़ते हैं। अभी पिछले आपने देखा बिहार में चुनाव लड़ा, हम लोगों ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और आपने देखा कि 5 सीटें हम जीत के दिए। बिहार में जीत का जो परसेंट जो रेशियो था वो हमारा सबसे बेहतर था। बंगाल में भी हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि जिन सीटों पर हमारी तैयारी होगी हम वहाँ चुनाव लड़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी इंशाल्लाह 25% सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कैंडिडेट उतारेगी। अभी आने वाला जिला पंचायत चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग अपने जिला पंचायत के प्रत्याशी उतार रहे हैं। अब हमारे इस लड़ने से अगर किसी का समीकरण खराब होता हो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम भी एक सियासी पार्टी हैं
और अपने सियासी एकता कर रहे हैं, सियासी तौर पर लड़ रहे हैं और हम चुनाव लड़ेंगे। क्या वजह है कि चुनाव में तो MIM पार्टी दिखाई दे रही है पर किसानों के साथ नहीं दिखाई दे रही? किसान आंदोलन का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भरपूर समर्थन किया। आपके बगल के जिले में अभी हमारे जिला अध्यक्ष पूरी टीम के साथ गिरफ्तार हुए। पूरे प्रदेश में कम से कम दसियों जिले पर हमारी पूरी टीम गिरफ्तार हुई। जहां पे हमारा संगठन आंदोलन करने की स्थिति में था वहां पे हमारे लोग गिरफ्तार भी हुए और आज भी उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। हम किसान आंदोलन के साथ हैं। ये सरकार किसानों के खिलाफ जुल्म कर रही है, किसानों के साथ नाजायज कर रही है और जो किसान का बिल पास हुआ है हम लोग इस बिल को वापस लेने की मांग करते हैं और किसानों की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ खड़े। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम इशार अहमद, उत्तर प्रदेश सचिव, पूर्वांचल प्रभारी।